हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन प्रॉमिसिंग बैंकिंग स्टॉक है, और जिस तरीके से आज 52 वीक मतलब ऑल टाइम हाई लगाया बैंकिंग बैंक निफ्टी ने, तो वो शेयर आने वाले टाइम में बहुत महंगा होता हुआ नज़र आएगा और 1000 रुपीज़ तक 1-2 साल में वो जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हम वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपके खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और एक और बात, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो आपको फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है। सेबी रजिस्टर्ड है, 0 डिलीवरी चार्जेस है, बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस है, और बहुत अच्छा इनका एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे आप थ्रू मतलब इजीली स्मूथली आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज के दिन लगभग 44%, लगभग 78,45,874 लाख शेयर्स की यहाँ पर डिलीवरीज होती हुई नज़र आई है। एज वेल एज 52 वीक लो की बात की जाए तो 152 रुपीज़ था 25 मार्च को आज, और 52 वीक हाई की बात की जाए उसी से पहले जनवरी 526 रुपीज़ था। और अगर हम बात करें यहाँ पर आज का प्राइस, तो लगभग 375.65 रुपीज़ पे एक क्लोज हुआ है। लगभग 4.04% की यहाँ पर गिरावट हुई है, और ये गिरावट एक मौका है अच्छे अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स को अपने पास लेने का, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर हम प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए, नेट प्रॉफिट जहाँ जून में 54,981 करोड़ था, वहीं पर ही बढ़ते हुए लगभग डबल ही कह सकते हो, 92,000 लाख इन रुपीज़ है, 92 लाख रुपीज़, ओके, 92,000 लाख रुपीज़। तो इतना प्रॉफिट इन्हें होता हुआ नज़र आया है। एज वेल एज जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करूँ, काफ़ी अच्छी है, 40% की, ओके। एज वेल एज पब्लिक के पास 60%, और एच डी एफ सी के पास लगभग 9 पॉइंट समथिंग, लगभग 10% के आसपास के शेयर HDFC के पास है। तो ऐसे दिग्गज बैंक के साथ रहना बहुत अच्छा बात होती है। और अगर बात की जाए डिविडेंड की, तो 2018 में 1 और 2019 में 3 रुपये का डिविडेंड। और आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल के लगभग ही इस बैंक को यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हुए, लिस्ट होते हुए हमें नज़र आया है, और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छी ही सब चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बट और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन में 4% की गिरावट है, और अगर 5 डेज पहले की बात करें तो लगभग 422 रुपये का ये शेयर चल रहा था, और लगभग 10% की गिरावट, 11% की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। और अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी भागता हुआ नज़र आएगा, और मैक्सिमम भी मैं आपको अगर शो कर देता हूँ तो देखिए, इधर इस लेवल पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जैसे सब शेयर चल रहे हैं उसी तरीके से देखिए यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई है। और अभी भी अगर हम बात करें तो ये शेयर काफ़ी नीचे मिल रहा है, और बट जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर जितना भाग रहा है, तो आपको ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और अभी भी अगर हम यहाँ पर बात करें नवंबर 2019 से, तो यहाँ पर देखिए फिर भी लगभग 37% की यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है, इतना प्रॉफिट आपको नज़र आता है, और इतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो इस शेयर की तरफ नज़र रख के 20-21% तो इजीली ये भाग ही जाएगा। बहुत अच्छा ये शेयर भी है, और यहाँ पर 1 साल का भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप गिरावट हुई थी, और गिरावट के बाद किस तरीके से जैसे दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स ने जंप मारी है, उसी तरीके से इसने भी मारी है। बट आपको बताना चाहता हूँ, अभी गिरावट में मिल रहा है तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को खरीदना चाहिए। और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और पैरामीटर, तो ये जो शेयर है ये बहुत बेहतरीन शेयरों में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक जो कि अपने 52 वीक हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। एज वेल एज HDFC की बात करें, कोटक की बात करें, ये भी अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं वो बैंक का नाम है बंधन बैंक, ओके। बंधन बैंक क्यों अच्छा है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। देखिए लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 6338 करोड़ रुपीज़ का है, एज वेल एज ROCE 12 है, जो कि दूसरे बैंक HDFC के आसपास ही है। PE 23 है, ओके। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो HDFC का PE कितना, 27, और इसका PE कितना, 23।
एज वेल एज अगर बात की जाए आरओसीई की, जो मैं आपको बता रहा था, एचडीएफसी का आरओसीई केवल 7% है और इसका आरओसीई 12% है। तो इसलिए आप ऐसे शेयर्स की तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट्स की बात की जाए क्वार्टरली, तो काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव रिजल्ट्स हमें देखिए 2017 में 1178 करोड़ के रिवेन्यू थे, जो बढ़ते बढ़ते 3198 करोड़ रुपए के हो गए। एज वेल एज इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी बढ़ते बढ़ते लगभग 3 गुना हो गई है। ओके, एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर वो नेट प्रॉफिट की, तो जो 300 करोड़ का प्रॉफिट था वो भी 3 गुना हो चुका है, लगभग 920 करोड़ रुपए। और नेट एनपीए देखे तो एनपीए देखे घटते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी लगभग सेप्टेम्बर क्वार्टर में 0.36% थे। बट अभी एक रिजल्ट, क्योंकि मोरेटोरियम था पहले, तो मोरेटोरियम के बाद अभी जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको फेरबदल होता हुआ जरूर नज़र आएगा। बट वो भी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चल के अगर कुछ लोग, कुछ बिजनेस अभी भी नहीं चल रहे हैं, तो उन्हें देने, उन्हें पे करने में दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से उसे एनपीए ना ही कहे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि कहीं ना थोड़ा बहुत तो वो लोग दे ही रहे हैं, और जैसे जैसे उनके बिजनेस चलेंगे तो वो लोग अपनी ईएमआईज एज वेल एज बैंक का ड्यूज चुकाते रहेंगे। एज वेल एज हम ईयरली बेस पे बात करें तो देखिए 2017 में रेवेन्यू लगभग 4,000 करोड़ था, जो कि बढ़ते हुए लगभग 12,000 हो गया है। इंटरेस्ट इनकम भी 15 से लगभग 48 से 3 गुना हो गई है। तो मतलब 3 गुना 4 गुना होती हुई हमें सब चीज़ यहाँ पर नज़र आई है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 1100 था, जो कि अभी 2718, जो कि पिछले क्वार्टर से इसमें क्या अंतर है, तो इसमें देखिए मार्च ये पूरा ईयरली है और ये अभी 12 मंथ का है। ओके, 12 मंथ, बट अभी ये और भी क्वार्टर्स रहे तो ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ईपीएस थोड़ा सा घटता हुआ हमें साफ नज़र आ रहा है। बट अभी और कुछ पैरामीटर दिखाऊंगा। तो रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स क्या बेहतरीन है, लगभग 4 गुना हो चुके हैं। यहाँ पर 3,33,51 करोड़ के रिजर्व्स, अभी 13,585 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात की जाए तो बोरिंग ऑब्वियसली बात है, काम इनका बोरिंग का ही है, लैंडिंग का काम होता है, तो इसलिए बोरिंग को देखना ना देखना एक अलग बात होती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है, लगभग 8,853 करोड़ रुपए का। और एसेट भी देखिए 3 गुना हो चुके हैं। तो बैंक जब 3 साल में 3 गुना हो रहा है, 30,000 से लगभग 91,000 करोड़, तो क्या दिक्कत है ऐसे ऐसे अच्छे बैंक में रहने में। देखिए जो कैश एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो भी देखिए लगभग 6,682 करोड़ रुपए का है इनका। और सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पर, देखिए प्रमोटर्स, प्रमोटर्स की 2018 में 82.28% हिस्सेदारी थी, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पर आते आते 2019 में कम हो गई लगभग 22%। ओके, एज वेल एज, और जो ये 22% गई है वो या तो पब्लिक के पास गई है, और पब्लिक के पास भी किसके पास गई है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एज वेल एज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जून में कितनी थी, 60%, जो कि यहाँ पर 40% हो गई है, मतलब कम हो गई है प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग किसके पास गई है, देखिए यहाँ 14% से सीधे 32%, जो 20% बेची है ना, सारा इन्होंने एफआईएज ने उठा लिया है, फॉरेन इन्वेस्टर ने उठा लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाम की चीज़ होती क्या है, उन्हें पता है कि किसी बिजनेस की रियल वैल्यू है क्या। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बात की जाए, देखिए अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, एज वेल एज डीआईएस की बात करें तो देखिए डीआईएस में एक्सिस म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर 2.48% की, एसबीआई ने भी ले रखी है। तो अलग अलग नाम यहाँ पर हमें डीआईएस में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए पब्लिक, पब्लिक के पास 21% है, बट 21 भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए 10% लगभग एचडीएफसी ग्रुप के पास है, और एलआईसी के पास लगभग 2% की हिस्सेदारी है, लगभग 10 और 2 12 12% तो यहीं पर ही हो गया। लगभग बस पब्लिक के पास कितनी, 8 और 9% की हिस्सेदारी है, और जो सारा का सारा माल जो इन्होंने बेचा है प्रमोटर्स ने, वो सारा या तो एचडीएफसी ग्रुप ने ले लिया है। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पर नज़र आया है एचडीएफसी ग्रुप ने यहाँ पर 10% उठा लिया है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर ने उठा लिया है। तो ये सारी की सारी इसकी बैलेंस शीट थी, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे लगी। और ये शेयर यहाँ पर रहने वाला नहीं है, ये शेयर आईसीआईसीआई बैंक वगैरह से टक्कर लेने वाला बैंक है, एचडीएफसी ने ही खुद हिस्सेदारी ले रखी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस बैंक का फ्यूचर क्या है। तो इसे गिरावट हो रही है, तो ये गिरावट मौका है खरीदारी का, तो आप इस बैंक को अपनी नज़र में रख सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिए, या खुद का ड्यू डिलीजेंस खुद करिए, या खुद ही अपनी स्टडी करिए, ताकि आप खुद के भरोसे होके इस शेयर को ले सकते हैं। तो गिरावट हुई है, और भी गिरावट मिलता है तो खरीदारी बाय ऑन टिप्स करके ऐसे अच्छे शेयर में खरीदारी कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।